बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और आज का राशिफल में फिर से। ये राशिफल मैं चंद्र राशि यानी मून साइन के तहत बताता हूँ और मेरा राशिफल जो है वो सिर्फ फलादेश ओरिएंटेड राशिफल होता है। तो चलिए पंचांग की तरफ बढ़ते हैं। 18 मार्च 2022 शुक्रवार का दिन है आज। पूर्णिमा तिथि दोपहर 12:47 तक रहेगी, उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। चंद्रदेव आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रदेव रात 12:08 तक रहेंगे और चंद्रदेव रहेंगे सिंह राशि में सुबह 6:33 तक। उसके बाद चंद्रदेव कन्या राशि में विचरण करेंगे। शक संवत 1943, विक्रम संवत 2078 चल रहा है। अभिजीत मुहूर्त 11:19 से 12:07 तक, अमृत काल शाम 5:11 से 6:46 तक शाम के, गुलिक काल सुबह 7:11 से 8:42 तक, राहु काल दिन के 10:12 से 11:43 तक, यमगंड काल दोपहर 2:44 से शाम 16:14 तक रहेगा। दिशाशूल पश्चिम, राहु कालवास दक्षिण पूर्व की तरफ है। चौघड़िया देख लेते हैं आज का, तो लाभ चौघड़िया सुबह 7:11 से 8:42 तक, अमृत चौघड़िया सुबह 8:42 से दिन के 10:12 तक, शुभ चौघड़िया दिन के 11:43 से दोपहर 1:13 तक, सूर्यास्त के बाद लाभ चौघड़िया रात 8:44 से रात 10:13 तक, शुभ चौघड़िया रात 11:42 से आधी रात के 1:12 तक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो शुभ चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया, अभिजीत मुहूर्त, अमृत काल, ये सभी शुभ समय कहलाते हैं। किसी भी प्रकार का शुभ काम आप इस वक्त पे कर सकते हैं। राहु काल और यमगण काल दोनों शुभ काल नहीं कहलाते। किसी भी प्रकार का शुभ काम आपको इस वक्त पे नहीं करना चाहिए, जैसे कि दुकान का उद्घाटन करना, गृह प्रवेश करना, रुपए पैसे से संबंधी महत्वपूर्ण लेन देन करना, यहाँ तक कि टेलीफोन कॉल तक करने को मैं मना करता हूँ। अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो भी राहु काल में ना करें। क्यों? क्योंकि राहु काल में शुरू किए हुए काम असंपूर्ण रह जाते हैं, बीच में छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, बाधा ग्रस्त हो जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो इस कड़ी में सबसे पहले एज यूजुअल हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, प्रेम संबंधों में बदनामी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हालांकि धन प्राप्ति के योग आपको बने हुए हैं। किसी प्रकार का मामला मुकदमा कोर्ट के शेष अगर है तो उसका फैसला आपके हक में जाएगा, आपके विरोधी परास्त होंगे आपके सामने, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन बेहतर नहीं। शेयर मार्केट के लिए आज का दिन आपके लिए बेहतर नहीं है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 4। वृष राशि के मित्रों के लिए आज का दिन थोड़ा बाधा वाला दिन है, लेकिन बाधा वाला दिन होने के बावजूद प्रॉपर्टी के कामों में आपको लाभ के योग बन रहे हैं। जमीन जायदाद से संबंधी डील्स में आपको धन लाभ होने के योग बनते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताजनक स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में सफलता के योग बन रहे हैं तथा संतान संबंधी खुशखबरी मिलने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि संतान जन्म लेने के बाद किसी समस्या का सामना आपको थोड़ा करना पड़े कुछ देर के लिए या आज भर के लिए। शेयर मार्केट के लिए आज का दिन आपके लिए बेहतरीन नहीं है। काम करते हैं तो अलग बात है, इन्वेस्टर हैं तो आपको आज रिस्क नहीं लेनी चाहिए। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए, बेसिकली आज आपके लिए कोई लकी नंबर नहीं। मिथुन राशि के मित्रों के लिए आज का दिन मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी की वजह से डोमेस्टिक लाइफ में तनाव, कर्म स्थान पे तनाव, आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके कलीग्स के साथ आज आपका मनमुटाव हो सकता है, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। तर्क वितर्क से दूर रहें, गलत फहमी में ना पड़े, किसी भी सूचना को 2 बार चेक कर लें उस आई हुई सूचना पर विश्वास करने के पहले। तर्क वितर्क से बचे रहें,
पद प्राप्ति का योग बन रहा है, सम्मान प्राप्ति का योग बन रहा है, सरकारी कामों में आपको लाभ होगा, लेकिन अपनी जवान को आपने काबू में रखना है। वो काबू में ना रही तो बनता हुआ काम आपका बिगड़ जाएगा। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर आपके लिए है 6। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में लाभ, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, उच्च शिक्षा में सफलता, धन प्राप्ति, नए कामों से धन प्राप्ति होगी, धर्म कर्म इत्यादि के कामों से भी आपको धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं, साहस की वृद्धि होगी। शेयर मार्केट के लिए आज का दिन आपके लिए आंशिक शुभ है। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 8। सिंह राशि के मित्रों के लिए आज का दिन धन के नुकसान का दिन है। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट से आप बचें, रुपए पैसे के मामले में सावधान रहें, किसी भी प्रकार के रुपए पैसे का लेन देन काफी सोच समझ कर करें, बहुत जरूरी नहीं है तो आज ना करें। शेयर मार्केट की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी लाभकारी रहने वाला है। आज शेयर मार्केट में आपको लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन मार्केट रिस्क को देखते समझते हुए आपने आगे बढ़ना है। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 3। कन्या राशि के मित्रों के लिए आज का दिन स्वादिष्ट भोजन, अच्छा खान पान, नए नए योगा योग, विदेश व्यापार में सफलता, दाम्पत्य सुख में वृद्धि, व्यवसाय में अग्रगति, राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध होने का या जुड़ने का योग आज बन रहा है, नई साझेदारी भी आज आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, सावधान रहें, बिल्कुल ही दूर रहें तो सबसे बेहतर है। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 3। तुला राशि के मित्रों के लिए आज का दिन मानसिक तनाव, खर्च की अधिकता, दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सता सकती है, शत्रुओं से भी आप सावधान रहें। शेयर मार्केट की दृष्टि से आज आपका दिन लाभकारी रहने वाला है, लेकिन फिर भी मार्केट रिस्क को देखते हुए आगे बढ़े। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 6। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए आज का दिन इच्छा पूर्ति, प्रेम संबंधों में सफलता, संतान संबंधी खुशखबरी, सरकारी कामों में लाभ, प्रमोशन होने का योग। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन होने का योग भी बन रहा है, और प्रमोशन के साथ एक बहुत ही अच्छी वैकेशन भी आपको मिलेगी, जिसका उपयोग करते हुए आप एक रोमांटिक ट्रिप पे जा सकते हैं। शिक्षा में अग्रगति, प्रेम संबंधों में सफलता आज मिलने वाली है आपको। स्वास्थ्य लाभ होगा, अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या चली आ रही है तो आज आपको स्वास्थ्य लाभ के योग बने हुए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज शेयर मार्केट में लाभकारी योग बने हुए हैं। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 4। धनु राशि के मित्रों के लिए आज का दिन कार्य सिद्धि, कर्मस्थान पे सफलता, परिवार में सुख, पारिवारिक जीवन सुखमय, उच्च शिक्षा में सफलता, माता के साथ अच्छा संबंध बने रहने का योग बन रहा है, लेकिन प्रेम संबंधों में ब्रेकअप के योग बन रहे हैं। सरकारी कामों से आपको लाभ होगा, सम्मान और पद की प्राप्ति भी होगी। धनु राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट में आज अच्छी संभावनाएं नहीं बन रही, गलत इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और आपके धन का नुकसान हो सकता है। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 6। मकर राशि के मित्रों के लिए आज का दिन शत्रु संबंधी चिंता, छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ मनमुटाव, यात्रा में आज आपको विशेष विशेष सावधानी बरतनी है, वाहन बहुत सोच समझ कर चलाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सोच समझ कर करना है। शेयर मार्केट के लिए आज आपका दिन आंशिक लाभकारी दिन रहने वाला है। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 8।
कुंभ राशि के मित्रों के लिए आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ हो सकता है। व्यवसाय में आपको लाभ के योग बन रहे हैं और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा, सेविंग्स में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट के लिहाज से आज आपका दिन लाभकारी बिल्कुल नहीं है, आपको नुकसान हो जाएगा, खर्च की अधिकता से परेशानी होगी आपको। अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट किया तो, और मैं तो मना कर रहा हूं कि आज दूर रहिए। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 3। चलिए बात करते हैं आखिरी और मीन राशि के मित्रों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यवसाय में अग्रगति, दाम्पत्य सुख में वृद्धि, सम्मान वृद्धि, अच्छा खान पान, जॉब की तलाश कर रहे हैं तो जॉब की प्राप्ति, और शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज आपके लिए आंशिक लाभकारी दिन रहने वाला है, लेकिन मार्केट रिस्क को समझते हुए आगे बढ़े। मीन राशि के जातकों के लिए आज शेयर मार्केट में लाभकारी योग बने हुए हैं, लेकिन मार्केट रिस्क को देखते हुए आप आगे बढ़ें। स्वास्थ्य लाभ के योग भी बने हुए हैं। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 6। तो ये था आज का राशिफल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।